Welcome back to our Maths class, Chapter 3, Addition. In this part, we are going to solve our worksheet. Now, our first question is, add the following. One number is 1 plus 4. Which number is this? 1. So, we will open our finger. 1. Plus, matlab, all fingers nikal liye. How many? 4. So, 1, 2, 3, 4. टोटल कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 या ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सो वी विल राइट हियर 5 नाउ सेकंड नंबर 7 प्लस 2 फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन अवर 7 फिंगर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 2 तो 2 और भी फिंगर्स निकालेंगे 1 2 देन काउंट हाउ मेनी आर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो वी विल राइट हियर 9 नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 2 प्लस 2 देन 2 1 2 अगेन 2 1 2 हाउ मेनी फिंगर्स आर हियर 1 2 3, 4. So we will write here 4. The next is 0 plus 4. 0 means nothing. तो हमको कोई भी finger open नहीं करनी है क्योंकि 0 है. Then plus 4. तो सिर्फ हम 4 fingers ही open करेंगे. 1, 2, 3, 4. And answer will be 4. अगर 0 है तो answer will remain same. तो यहाँ पे आएगा 4. Next one is 4 plus 3. How many fingers will be open? 4. 1, 2, 3, 4. Then 3. 1, 2, 3. Count the number of fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we will write here 7. ऐसे ही आपको और examples PDF में मिलेंगे जो आपको complete करने हैं. इस पीडीएफ के साथ आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको खुद ही ये एग्जांपल सॉल्व करने हैं और आंसर्स लिखने हैं नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज एट द फॉलोइंग सेम हमें एडिशन ही करना है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था मतलब एक लाइन में लिखा हुआ था और ये इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में है तो 2 प्लस 5 हाउ मेनी फिंगर्स विल बी ओपन 2 1 2 देन प्लस मतलब और फिंगर्स निकालने हैं कितने निकालने हैं 5 तो 1 2 3 4 5 हाउ मेनी फिंगर्स आर हियर 1 2 3 4 5 6 7 वी विल राइट 7 नाउ नंबर 2 इज 6 प्लस 3 तो सबसे पहले हम कितने फिंगर्स ओपन करेंगे 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 1 2 3 तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वी विल राइट हियर 9 नेक्स्ट इज 7 प्लस 2 हाउ मेनी फिंगर्स विल बी ओपन 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 2 1 2 How many fingers are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we will write here 9. Then 0 plus 8. So 0, matlab koi bhi finger open nahi karni hai. Aur 8. So 8 fingers open karenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par 8 ke saath aur koi bhi number nahi hai. To 8 ka 8 same. Hamara answer kya hoga? 8. Now fifth number is 7 plus 3. Which number is there? 7. So we will open 7 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 3. 1, 2, 3. How many fingers are there? 10. So our answer will be 10. Now our third question is write the missing numbers. What do we need to do? हमारे जो ये एग्जांपल्स में मिसिंग नंबर्स हैं दैट मींस ये जो डैश दिए हुए हैं उनको
कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट वन इज 6 + - = 9. 6 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि मेरा आंसर 9 आए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 में कोई ना कोई नंबर मुझे ऐड करना है और मुझे बनाना है 9. 6 पहले से लिखा हुआ है तो 6 के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. कैसे, 6 के बाद क्या आता है, 7, 8, 9. मेरा आंसर आ गया 9. और कितनी फिंगर्स ओपन हुई, 1, 2, 3. तो यहाँ पे हमें लिखना है 3. जितनी फिंगर्स हम ओपन करते हैं उतना नंबर यहाँ पे हमको लिखना है. जैसे कि 3 + - = 5. तो 3 तो लिखा ही हुआ है तो 3 तक काउंट करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद 4, 5, हमारा आंसर आ गया 5. और फिंगर्स कितनी ओपन हुई, 1, 2. तो वी विल राइट हियर 2. देन थर्ड वन इज 4 + - = 8. 4 में कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो 4 लिखा ही हुआ है उसके बाद हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है. 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5. तो हम 5, 6, 7, 8. हाउ मेनी फिंगर्स आर हियर, 1, 2, 3, 4. तो वी विल राइट हियर 4. 4 + 4 = 8. नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज 3 + - = 4. नाउ 3 के बाद फिंगर्स ओपन करेंगे, 4. कितनी फिंगर्स बाहर आई, ओनली 1. 3 + 1, 4. देन 6 + - = 6. अब 6 में कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर 6 का 6 ही आए. तो ऐसा कौन सा नंबर है, 6 तो पहले से ही है और हमारा आंसर भी 6 ही है, तो हमें कोई भी फिंगर ओपन करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 0. एक भी फिंगर ओपन करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स 0. 6 + 0 = 6. इस तरह से सारे मिसिंग नंबर्स आपको जो पीडीएफ में दिए जाएंगे वो कंप्लीट करने हैं. नाउ अवर क्वेश्चन 4 इज कंप्लीट द फॉलोइंग एडिशन फैक्ट्स. हमारे जो एडिशन फैक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं. ये एडिशन फैक्ट्स वही हैं जो हमने बुक में किए हैं. वहां पे एडिशन फैक्ट्स की जगह पे क्या लिखा हुआ था, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूमरल्स. वही है, 2 दिए हुए हैं और 5 उसका आंसर है. मतलब 2 ऐसे नंबर ऐड करने हैं जिसका आंसर 5 आता है. तो सेम जो पहले मेथड किया था, एक तो 2 + 3 5 कर सकते हैं, 1 + 4 5 कर सकते हैं, या फिर बिफोर नंबर वाला मेथड जो मैंने आपको पहले बुक में एक्सप्लेन किया था. जैसे कि पहले 1 लिख देंगे और 5 का बिफोर नंबर क्या आता है, 4. तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5. इसी तरह से 6 है तो पहले 1 लिख देंगे. अब 6 का बिफोर नंबर क्या होता है, 5. तो 1 + 5 6 होगा. उसकी जगह पे आप 2 + 4 लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट जाएगा. 3 + 3 लिखोगे तो भी राइट जाएगा. 6 + 0 लिखोगे तो भी राइट जाएगा. पर ये छोटे बच्चों के लिए इजी मेथड है, इसलिए मैं वही मेथड फॉलो कर रही हूँ. 1 लिख देना है और फिर जो गिवन नंबर है उसका बिफोर नंबर. जैसे 2 है तो 1 और 2 का बिफोर नंबर 1. 1 + 1, 2. देन 3, तो 1 और 3 का बिफोर नंबर 2. 1 + 2, 3. इसी तरह से 7, तो 1 और 7 का बिफोर नंबर क्या होता है, 6. तो 1 + 6, 7. यहाँ पे 5 एग्जांपल्स हैं. पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल मिलेंगे, वो सब आपको कंप्लीट करने हैं. नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज एड एंड मैच द फॉलोइंग. We will add all these numbers and match with the answer. उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे add करके answer लिख देंगे. तो 3 + 4, 1, 2, 3 and then 4, 1, 2, 3, 4. How many fingers are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we will write here answer. यहाँ पे हम answer 7
लिख देंगे। देन 6 + 3 1 2 3 4 5 6 and 3 1 2 3 हाउ मेनी फिंगर्स आर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो वी विल राइट हियर 9 देन 3 + 5 1 2 3 and 5 1 2 1 2 3 then 1 2 3 4 5 How many fingers are here? 1 2 3 4 5 6 7 8 So answer is 8 Then 1 + 0 0 अगर हम किसी में भी 0 add करते हैं तो answer will same So 1 का 1 Then 5 + 2 1 2 3 4 5 and 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 So we will write here 7 अब क्या करना है अभी हम सेम नंबर्स को मैच कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं तो 7 को 7 के साथ मैच 9 को 9 के साथ मैच 8 को 8 के साथ 1 को 1 के साथ एंड 7 को 7 के साथ तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और अब हम मिलेंगे पार्ट 4 में।